दोस्तों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 10 तारीख और 12 तारीख, ठीक है। तो हम लोग पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग शिक्षण क्या है को डिस्कस कर चुके हैं। एक वीडियो में एक प्रश्न का उत्तर हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे स्मृति क्या है, व्हाट इज मेमोरी, ठीक है। देखिए, आप अगर 2 नंबर का क्वेश्चन सीखते हैं ना, तो वहाँ से आप बड़े क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा स्मृति क्या है, बड़े क्वेश्चन में स्मृति के प्रकार बताइए। तो अगर आपको इतना थोड़ा बहुत पता रहेगा तो आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं स्मृति क्या है, ठीक है। स्मृति की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है वह मस्तिष्क में संचित होता रहता है, ठीक है। हम जो भी सीखते हैं हमारे मस्तिष्क में संचित होता रहता है। जो अनुभव मन के अचेतन स्तर पर होते हैं उसे संचय कहते हैं, जो चेतन स्तर पर आ जाते हैं उसे स्मृति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब हम किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसका नक्शा अपने मस्तिष्क पर बैठाते हुए किसी बिंदु को अपना आधार बना लेते हैं, फिर उस स्थान पर घूमकर विभिन्न चिन्हों को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पुनः उस स्थान पर जाने पर वह परिचित सा लगता है। अतः मस्तिष्क की वह क्रिया, देखिए इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, अतः मस्तिष्क की वह क्रिया जिसके द्वारा हम अपने पूर्व अनुभव से लाभ उठाते हैं उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति मतलब मेमोरी, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई सिंपल। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने स्मृति के बारे में क्या कहा उसको सीख लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको 2 वैज्ञानिक के बारे में कम से कम लिख के आना है, तो उड्वर्थ के अनुसार उड्वर्थ जी क्या कहते हैं, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ठीक है। और एमसी डोगल क्या कहते हैं, स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना एवं पहचान करना है कि वे अपने ही भूतकालीन अनुभव हैं, ठीक है। ये रहा स्मृति कंप्लीट डिफिनेशन। आगे भी हम लोग अभी विस्मृति मतलब एक एक करके डिफिनेशन सीखते जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।